नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद आज पहले दिन सागवाड़ा शहर में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। पुलिस उप अधीक्षक निरंजन चारण ने साबला, आसपुर, पूंछपुर, कतिसौर सहित कई कस्बों और गाँव का दौरा करते हुए सागवाड़ा शहर का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्धारित समय सीमा के बाद भी शहर में खड़े सब्जी और फल फ्रूट वालों को लॉकडाउन के नियमों की पालना करने की हिदायत दी। आज 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद भी कई फल वालों ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया, जिस पर पुलिस उप अधीक्षक निरंजन चारण ने फटकार लगाई और कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और घर पर रहें। इस कड़ी धूप में पुलिस उप अधीक्षक निरंजन चारण ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। पुलिस उप अधीक्षक निरंजन चारण के साथ हितेश कुमार और रविंद्र सिंह जाप्ते के साथ मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। तुम लोगों को साढ़े बारह बजी है, आप लोग क्या कर रहे हो? क्या घूम रहे हो? कल नहीं बोला था तेरे को, क्या मतलब होता है इसका? चलिए और तो जहाँ रहने का टाइम है। लॉकडाउन आज होने से मेरा द्वारा जो है ना, मेरे द्वारा सागवाड़ा थाना क्षेत्र, सावला, आसपुर का दौरा करने के पश्चात अभी करीब 12:30 बजे मैंने पुनः वापस सागवाड़ा के पुराना बस स्टैंड वगैरह पूरे इलाके में दौरा किया, जहाँ कुछ जगह पुराना बस स्टैंड और उससे आगे अपने झील मोड़ से आगे भी कुछ स्थानों पर सब्जी की दुकानें और खुली हुई थी, और स्कूल के सामने जो कॉलोनी स्कूल है इसके साइड में जो रोड जा रहा है जो गलिया कोट के लिए, यहाँ भी कुछ सब्जी वाले सब्जी बेच रहे थे, जो समय से ज़्यादा समय टाइम ख़त्म हो गया था उसके उपरांत भी बेच रहे थे, जिनको आज समझाइश की गई है, उनको कहा गया भाई आइंदा ऐसी गलती नहीं करें। वो अपने 11 बजे का टाइम है सरकार का, और सरकार के जो नियम सरकार के द्वारा जारी किए गए जो डायरेक्शंस हैं उनकी पालना करें। अगर वो कल ऐसा नज़र आता है तो कल इनके साथ में सख्ती की जाएगी और प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।